दोस्तों ये वीडियो फेल स्टूडेंट्स और साथ में अगर जिन स्टूडेंट के पॉइंटर्स कम आए, अगर कोई स्टूडेंट अगर सेकंड क्लास में चल रहा है, अगर उसे फर्स्ट क्लास में आना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बताने वाला। तो वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से सुनना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि ट्वेल्थ में रूल था कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल होते थे तो अपने को ग्रेस मार्क्स मिलता था, पर इंजीनियरिंग में ग्रेस मार्क्स पासिंग स्टूडेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे दो रूल्स है, एक ग्रेस मार्क्स है और यहाँ पे कंडोनेशन का एक रूल है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स पासिंग स्टूडेंट को दिया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे दिया जाता है। अगर सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर मुझे अगर समझो मुझे जो मार्क्स मिला है, अगर मेरा सेकंड डिवीजन आ रहा है पर मैं कुछ मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन में मिस आउट कर रहा हूं, तो वहां पे मुझे मार्क्स मिल सकता है और मुझे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन में मैं जा सकता हूँ। डिवीजन अगर मुझे यहां से वहां जाना है तो उसमें वो हेल्प कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अब जो कंडोनेशन जो फैसिलिटी है वो दोस्तों फेल स्टूडेंट को दी जाती है, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो फेल स्टूडेंट है वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो तो आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है, पर उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। अभी यहाँ पे मैंने मुंबई और पुणे लिखा है, पर लगभग ये हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए सेम होता है, बस इसके लिए कुछ रूल्स है। तो आप अपने अपने यूनिवर्सिटीज के ये सेम देख लो वीडियो, उसके बाद अपने रूल्स में चेक कर लो, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन में आप चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंडोनेशन जो रूल्स है वो दो तरह से दिया जाता है जो फेल स्टूडेंट्स को। पहला एक रूल है कि जो पूरा का पूरा एग्रीगेट मार्क्स जो होगा, फॉर एग्जांपल मेरा पूरा का पूरा 500 मार्क्स है तो उसका 1% मुझे मिल सकता है। 1% मतलब 500 का 1% मतलब 5 मार्क्स मुझे मिल सकता है। अगर मैं 5 मार्क्स से अगर मैं फेल हो रहा हूं तो हो सकता है कि मुझे 5 मार्क्स दे दे। यहां पे इसी के साथ एक और रूल है, देखो और करके लिखा है कि मेरे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, अगर समझो मेरा सब्जेक्ट जो है वो 80 मार्क्स का हो रहा है या 70 मार्क्स का हो रहा है, सपोज 80 मार्क्स का हो रहा है, तो 80 मार्क्स का 10% कितना होता है दोस्तों, 8 मार्क्स। तो यहां पे हमें 8 मार्क्स का मिल सकता है। सपोज अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में 24 मार्क्स है, पासिंग 32 है, तो वो लोग मुझे मार्क्स दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे कि एक रूल है कि हमें 10 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स नहीं दिया जा सकता। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर पता चला कि कोई 15 मार्क्स अगर कम है तो भाई भूल जाओ। और दोस्तों ये अगर आपको अगर इस तरह से पास किया जा रहा है तो आपके मार्कशीट पे कैसा दिखाई देगा, ये सिंबल आएगा या तो ऑर्डिनेंस नंबर 4 वहां पे मेंशन होगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्रदीप गिरी एकेडमी इस तरह से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपके लिए बहुत हेल्प कर रहा है। अब अपने अपने यूनिवर्सिटीज के रूल्स को एक बार जाके देखो और देखने के बाद मुझे भी नीचे बताओ कि सर हमारे रूल्स में, हमारे यूनिवर्सिटीज में ऐसा ऐसा रूल है। और प्लीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम का आपको बेनिफिट उठाना चाहिए तो प्लीज उठा लो और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। इस एकेडमी चैनल पे सब कुछ आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।